मंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मार पिछत अरविंद केजरीवालक एबार आक्रमणर लक्ष्य करि लैछे बलिउडर मोहमय अभिनेत्री कंगना रानावते। मंत्री हिमंत विश्व शर्माय कैछिल दिल्लीर बाबे 8टा अक्सिजेन प्लांटर आबंटन जनाइछिल मोदी सरकारे। अक्सिजेन प्लांट स्थापन करिबोलै सक्षम नहुआ दिल्ली सरकारे निजर व्यर्थतार बाबे एतिया किय जगुरिया करिछे मोदी सरकारक। हिमंत विश्व शर्मार ट्विटर प्रत्युत्तर इतिमध्ये प्रदान करिछे आप अहोमे। किन्तु हिमंत विश्व शर्मार पिछते एतिया दिल्लीर मुख्यमंत्री आरु महाराष्ट्र सरकारर विरुद्धे एके प्रश्न निक्षेप करिछे बलिउडर अभिनेत्री कंगना रानावते। ट्विटरत कंगना रानावते लिखिछे पीएम केयर्सर धन खाई एतिया अक्सिजेन बिचारिछे, कत गल पीएम केयर्सर टका, किय एई दुइ ब्यक्तिये स्थापन करिब नोवारिले अक्सिजेन प्लांट, किय आमाक उत्तर लागे, आमार आबंटित धनर हिसाब लागे। दिल्ली और महाराष्ट्र सरकारक उद्देश्य ए वाक्यवान कंगना रानावतर। किन्तु कंगना रानावत अथवा हिमंत विश्व शर्मार अभियोग आसलते किमान सत्य? 2020 सनते मोदी सरकारे देशजुरी 150टा अक्सिजेन प्लांट स्थापनर उद्योग हातत लैछिल। पीएम केयर्स फंडर टकारे देशर 14खन राज्यत स्थापन करिबलै उलिवा एई समूह अक्सिजेन प्लांट स्थापनर बाबे केन्द्रीय सरकारे धन आबंटन दिया नासिल कोनो एखन राज्य सरकारक। अक्सिजेन प्लांट स्थापनर बाबे केन्द्रय दायित्व अर्पण करिसिल स्वास्थ्य मंत्रालयर अधीनस्थ संस्था सेन्ट्रल मेडिकल सार्विस सेन्टारक। 2020 सनर 21 अक्टोबरत सेन्ट्रल मेडिकल सार्विस सेन्टारे अक्सिजेन प्लांट स्थापनर बाबे टेन्डार विचारि जारी करिसिल एइखन जाननी। आरु हे टेन्डार अनुसरिये देशर 14खन राज्यत 150टा अक्सिजेन प्लांट स्थापनर बाबे दायित्व अर्पण करा हैछिल ठिकादार तथा निर्दिष्ट प्रतिष्ठानक। अर्थात दिल्ली महाराष्ट्र अथवा अन्यान्य राज्यत जदि एतिया अक्सिजेन प्लांट स्थापन हुआ नाय तेंते इयार बाबे जाई नहय दिल्ली महाराष्ट्र अथवा निर्दिष्ट राज्य सरकार, दायी केन्द्रीय सरकार, दायी केन्द्रीय सरकारर स्वास्थ्य मंत्रालय, दायी स्वास्थ्य मंत्रालयर अधीनस्थ सेन्ट्रल मेडिकल सार्विस सेन्टार आरु दायित्वप्राप्त ठिकादार तथा प्रतिष्ठान। किन्तु देशजुरी स्थापन हुआ एक समूह अक्सिजेन प्लांट स्थापन हुआत इमान पलम हुई किय, कौन दायी एक क्षेत्र? 21 अक्टोबर टेन्डार आह्वान करार पिछत टेन्डार दाखिलर अंतिम समय सीमा निर्धारण करा हुई सिल 10 नवेम्बर अवशेषत निर्दिष्ट प्रतिष्ठानक चूड़ान्त दायित्व अर्पण करा हुई सिल डिसेम्बर माहत। देशजुरी अक्सिजेन प्लांट स्थापनर दायित्व अर्पण करा एक विलम्बर बाबे 4 माहत 150टा प्रकल्पर भितरत स्थापन हल मात्र 33टा प्रकल्प। इतिमध्ये अक्सिजेन प्लांट स्थापन हुआत विलम्बता अथवा विफलतार बाबे हिमंत विश्व शर्मा कंगना रानावतके धरी बिजेपिर आईटी सेले कठोर समालोचना करिछे अबिजेपि शासित राज्यसमूहर सरकार आरु मुख्यमंत्रीसकलक। किन्तु प्रकल्प रूपायणत किमान सफल হৈছে বিজেপি শাসিত ৰাজ্যসমূহ? ইতিমধ্যে বিভিন্ন পক্ষই এই ক্ষেত্ৰত লক্ষ্য কৰি লৈছে দিল্লী আৰু মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰক। 150টা প্ৰকল্পৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক 14টা প্ৰকল্প আবণ্টন দিয়া হৈছিল বিজেপি শাসিত ৰাজ্য উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাবে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা উত্তৰ প্ৰদেশত এতিয়ালৈ স্থাপন হোৱা নাই কোনো এটা অক্সিজেন প্লান্ট। বর্তমান ভারতর অক্সিজেন উৎপাদন ক্ষমতা দৈনিক 7200 মেট্রিক টন, কিন্তু আজির দিনটো দেশের অক্সিজেন প্রয়োজনীয়তা দৈনিক 8000 মেট্রিক টন। সেইভাবে ঔদ্যোগিক কারণত অক্সিজেন ব্যয় নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ইতিমধ্যে কেন্দ্রয়। কিন্তু দেশজুড়ি গ্রহণ করা 201 কোটি টাকার এই প্রকল্প রূপায়ণত হওয়া চরম বিলম্বতা আর বিফলতার বাবে এটা দায়ী কোন? দিল্লি সরকার, মহারাষ্ট্র সরকার, যোগী আদিত্যনাথ সরকার নে নরেন্দ্র মোদী সরকার?